हाय गाइस, मैं हूँ प्रियंका और वेलकम बैक टू रॉकिंग विशेस। तो मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी साड़ी वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो आज की वीडियो में भी एक साड़ी वीडियो के रिलेटेड ही है, वो है रफल साड़ी। रफल साड़ी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आजकल, और मैंने सोचा कि उस एक साड़ी को एक ही तरीके से पहनना बहुत बोरिंग हो जाता है, तो वाई नॉट स्टाइल इट इन डिफरेंट वेज। तो इसलिए मैंने स्टाइल किया है एक रेड कलर की रफल साड़ी, जो कि मैंने अभी पहनी हुई है, इस साड़ी को 5 अलग अलग तरीके से, जो कि आप डिफरेंट ओकेजन्स पे पहन सकते हो। और विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पहला तरीका है जिसमें हमने इस रेड रफल साड़ी को रेड ही ब्लाउज़ के साथ पहना है, लेकिन इंस्टेड साड़ी के साथ का ब्लाउज़, वो भी बोरिंग ब्लाउज़ बनाने की बजाय, मैंने इस ब्लाउज़ को ख़रीदा अमेज़ॉन से। ये एक टॉप था जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल था, और मैंने इस साड़ी को पहनने के लिए पल्लू को गले के आसपास नॉट में बांध दिया, ताकि ये बोरिंग साड़ी की तरह ना लगे। और ये तैयार हो गया हमारा एक मॉडर्न रफल साड़ी लुक। अब आया नेक्स्ट लुक। नेक्स्ट लुक में मैंने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ पल्लू को एक स्कार्फ की तरह गले में बांधा है और साथ में एक डेनिम जैकेट स्टाइल की है। डेनिम जैकेट को आप पहन भी सकते हैं, बट मैंने इस लुक में सिर्फ कंधों पर इसे रखा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है इस तरीके से, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे स्टाइल किया है। अब शादियों का सीज़न तो चल ही रहा है, तो मैंने सोचा कि साड़ी को साड़ी के तरीके से पहनने की बजाय कुछ एक नया ट्विस्ट दिया जाए। तो मैंने ये अपनी वाइड लेग पैंट्स, मतलब कि शरारा और प्लाजो पैंट्स आप इनको कह सकते हो, गोल्डन कलर की एक गोल्डन ब्लाउज़ के साथ ही पेयर की, और साथ में मैंने इस रफल साड़ी को लहंगे की तरह पहना। बट इंस्टेड सामने से बिल्कुल सीधा लहंगा पहनने के बजाय मैंने इसको एक डायगनली अपने प्लाजो के अंदर इंसर्ट कर लिया, और पल्लू को नॉर्मली जैसे हम साड़ी का पल्लू लेते हैं वैसे ही ले लिया। और साथ में मैंने स्टाइल किया है एक चोकर नेक पीस, और इयररिंग्स मैंने स्किप कर दिए, एंड दैट इज़ हाउ इट लुक्स। तो नेक्स्ट लुक में मैंने इस रेड रफल साड़ी को पेयर किया है इस प्रिंटेड ब्लाउज़ के साथ, जो कि मैंने आजियो से लिया था। तो ये रफल साड़ी को मैंने नॉर्मल साड़ी की तरह नहीं पहनकर इस के एक एक रफल की जो लेयर है उसको मैंने ऊपर तक लेकर इंसर्ट किया है, और इसमें मैंने क्या किया है, नॉर्मल सा एक लुक है जिसमें मैंने ब्लाउज़ जो फुल आर्म्स रखा है, क्योंकि आप सबको पता है कि मुझे फुल आर्म्स बहुत ज़्यादा पसंद है। चप्पल्स के लिए मैंने नॉर्मल वाइट चप्पल्स पहनी है, और जस्ट लव दिस सिंपल येट एलिगेंट लुक। और आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं किसी एक नॉर्मल फंक्शन में, और ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगता है। तो लास्ट और फाइनल लुक में मैंने शर्ट को पेयर किया है इस साड़ी के साथ, साड़ी को एक स्कर्ट की तरह पहना है, और पल्लू को एक दुपट्टे की तरह लिया है बाजुओं पे। चप्पल्स के लिए मैंने पंजाबी जूती पहनी है इसके साथ। आई नो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन, बट आई लव्ड इट। और इयररिंग्स सिंपल मैंने रखे हैं। इसको लुक को अचीव करने के लिए आपको शर्ट के लास्ट के कुछ बटन्स खोलकर उनको एंड से टाइट टाई कर लेना है, और वो बन जाएगा आपका एक ब्लाउज, शर्ट काइंड ऑफ अ ब्लाउज, या कॉलर्ड ब्लाउज आप कह सकते हैं, और दैट्स इट। और जो आपका पल्लू है उसको आपको अपनी बाजुओं पे लेना है पीछे की तरफ से। ऐसे आप इस लुक को अचीव कर सकते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, और कौन सा स्टाइल आपका फेवरेट था वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और डू ट्राई दिस साड़ी। और ये साड़ी मैंने ली थी अमेज़ॉन से,
और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप चेकआउट कर सकते हो. बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं इसमें, बट रेड वन ऑफ मेरा फेवरेट कलर है तो इसलिए मैंने रेड चूज़ किया. और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ और वीडियो पोस्ट करूँ आपको पता चल जाए. और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है exponential.u, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं वहाँ रिप्लाई करती हूँ. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर, बाय.